इंडियन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। भोपाल से अपडेट है, निशुल्क खाद्यान्न ना मिलने पर सीएम हेल्पलाइन पर अब शिकायत होगी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर लोग कर सकेंगे शिकायत। आपको बता दें कि अब शिकायत के लिए नंबर जो है वो जारी कर दिया गया है। दुकानों को चिन्हित कर NUT मॉडल पर किया जाएगा ये तैयार। पहले चरण में 500 करोड़ रुपए की लागत से 3500 दुकानें यहाँ पे बना दी जाएंगी। बता रहे कि 3,50,000 रुपए की लागत से ये दुकानें बनेंगी। नई दुकान सह गोदाम का निर्माण भी कराया जाएगा। यानी कि कोई लापरवाही होगी तो 18 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन नंबर ये होने जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो दुकानें हैं उनका जो कार्य है वो भी जल्द शुरू हो जाएगा। सीएम हेल्पलाइन नंबर पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। NUT मॉडल पर तैयार होंगी MP की उचित दुकान है तो आपको बता दें कि दुकानों को चिन्हित कर मॉडल पर ये तैयार किया जाएगा। 3,50,000 रुपए की लागत से ये दुकानें बनने जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि निःशुल्क खाद्यान्न ना मिलने पर सीएम हेल्पलाइन पर अब शिकायत होगी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर लोग शिकायत कर सकेंगे। बता दें कि NUT मॉडल पर तैयार होंगी MP की उचित मूल्य दुकानें। कुलभूषण सक्सेना हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, जिस तरीके से 181 पर अब शिकायत भी की जा सकती है, सीएम हेल्पलाइन नंबर है और जानकारी ये भी मिल पा रही है कि 3,50,000 रुपए की लागत से दुकानें भी तैयार की जानी है। देखिए, निःशुल्क खाद्यान्न न मिलने पर अब जो आम जनता है या पब्लिक है वो सीधे सीएम हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत कर सकती है। सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर जो है आम जनता जो है इसकी शिकायत करेगी। NUT मॉडल पर तैयार जो है मध्यप्रदेश की उचित मूल्य दुकानें होंगी। भवन विहीन, जीर्ण और अपर्याप्त भंडारण क्षमता वाली दुकानों को चिन्हित कर जो है NUT मॉडल पर तैयार किया जा रहा है। प्रथम चरण में 500 करोड़ रुपए की लागत से 3500 दुकानों को बनाया जाएगा। इसके साथ ही 3,50,000 रुपए की लागत से दुकानें बनेगी। नई दुकान सह गोदाम का करवाया जो है निर्माण कराया जाएगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आम जनता जो है वो काफी परेशान होती है। उन्हें जो निशुल्क खाद्यान्न सरकार की जो योजनाएं रहती हैं उन योजनाओं के अंतर्गत जब वो राशन की दुकानों में पहुंचते हैं तो उन्हें निःशुल्क खाद्यान्न नहीं मिलता है। जो दुकानदार होते हैं या जिन्हें इसका टेंडर मिलता है वो अक्सर आम जनता गरीब जनता को घुमाते हुए नजर आते हैं कि आज अनाज नहीं आया है या फिर कल आएगा, अगर आया है तो 5 किलो में की जगह 2 किलो उन्हें देते हुए नजर आएंगे। अगर अब ऐसी शिकायतें मिलेगी तो तत्काल जो है लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा और आम जनता सीधे 181 पर कॉल करके जो है जो खाद्यान्न की दुकान रहेंगी जो लाइसेंस धारी रहेंगे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की शिकायत 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, भोपाल से जानकारी एक और आ गई है। HUT पर बोले हैं BJP प्रदेश प्रभारी मुरलीधर।